70 साल पुराने केस की 40 दिन चली सुप्रीम सुनवाई, अब आई फैसले की घड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा, 3 दिन में मांगा मोल्डिंग ऑफ रिलीफ पर लिखित हलफनामा। सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मुद्दे पर तीखी बहस, मुस्लिम पक्ष के वकील ने कोर्ट में फाड़ा नक्शा। धवन के रवैये पर सीजेआई ने जताई कड़ी नाराजगी। महाराष्ट्र के रण में गरजे पीएम मोदी, कहा 5 साल में सुपरहिट रहा नरेंद्र और देवेंद्र का फॉर्मूला, परिवार भक्ति में ही कांग्रेस की राष्ट्रभक्ति। मिशन महाराष्ट्र पर सीएम अशोक गहलोत, मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र पर किए प्रहार, कहा देश में डेमोक्रेसी खतरे में, राष्ट्रवाद के नाम पर लोगों को भाजपा ने किया भ्रमित। फर्स्ट इंडिया न्यूज की खबर पर फिर लगी मोहर, कोई भी बन सकता है मेयर, अध्यक्ष और सभापति, निकाय प्रमुख के चुनाव में लागू होगा हाइब्रिड मॉडल, अधिसूचना हुई जारी। नमस्कार, बिग फाइट लाइव में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। आखिरकार आज वो दिन आ ही गया आस्था से जुड़े सबसे बड़े मुद्दे की, करोड़ों लोगों की भावनाओं की और देश के सबसे बड़े केस की। देश की सबसे बड़ी अदालत में सुनवाई का दौर आज थम गया है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट में ऐतिहासिक राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद की सुनवाई पूरी हो गई है और आज सुनवाई का 44वां दिन और आखिरी अंतिम दिन था। हिंदू पक्ष की ओर से निर्मोही अखाड़ा, हिंदू महासभा, राम जन्मभूमि न्यास की ओर से दलीलें रखी गई, तो वहीं मुस्लिम पक्ष की तरफ से राजीव धवन ने अपनी दलीलें रखी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है और अब इंतजार है फैसले का। 23 दिन में कोर्ट अपना फैसला भी सुना देगी। तो आस्था से जुड़े इस सबसे बड़े मामले की सुनवाई आज 44वें दिन खत्म हो गई और 40 दिनों में मुस्लिम पक्षकारों ने पुराण तो हिंदू पक्षकारों ने कुरान पढ़कर अपना दावा मजबूत किया। मुस्लिम पक्ष ने 10 लाख की लागत से 700 किताबें खरीदी और उन्हें पढ़ा भी। वहीं हिंदू पक्ष के 50 से ज्यादा वकीलों ने भी दिन में 20 से 22 घंटे काम किया ताकि तर्क में कोई कमी ना रह जाए और दलील कहीं कमजोर ना पड़ जाए, क्योंकि सवाल करोड़ों लोगों की आस्था से जो जुड़ा हुआ है। अयोध्या मामले पर रोजाना सुनवाई के साथ ही यह तय हो गया था कि अब अदालत इस मामले को अंजाम तक पहुंचाना चाहती है, और जब सीजेआई ने सुनवाई की डेडलाइन तय कर दी तब तस्वीर और साफ हो गई। 6 अगस्त से शुरू हुई सुनवाई अब पूरी हो चुकी है। इस सुनवाई के दौरान कब कब क्या क्या हुआ, आइए आपको बताते हैं। पहले दिन यानी 6 अगस्त को सबसे पहले निर्मोही अखाड़े ने दलीलें पेश करना शुरू किया। 1934 से किसी भी मुस्लिम को विवादित ढांचे में प्रवेश नहीं मिला। सुनवाई के दूसरे दिन 7 अगस्त को रामलला विराजमान ने कहा, आस्था ही प्रमाण है, विवादित स्थल ही राम का जन्म स्थान है। सुनवाई के तीसरे दिन यानी 8 अगस्त को कोर्ट ने पूछा, जन्म स्थान वादी हो सकता है, देवता के जन्म स्थान को कानूनी व्यक्ति के तौर पर माना जा सकता है? वकील ने कहा, जन्म स्थली कानूनी व्यक्ति की तरह है, वो वादी हो सकता है। चौथे दिन की सुनवाई 9 अगस्त को ही, रोजाना सुनवाई में मदद मुश्किल है। मुस्लिम पक्ष ने कहा, यह संभव नहीं है कि हफ्ते में रोज कोर्ट का सहयोग करें। सुनवाई के 5वें दिन यानी 13 अगस्त को हिंदू पक्ष की दलीलें जारी रही। कोर्ट ने कहा, जमीन पर आपका हक मुस्लिम पक्षकार के साथ साझा है, तब एकाधिकार कैसे? रामलला विराजमान की तरफ से कहा गया, जमीन कुछ समय के लिए बोर्ड के पास जाने से वो मालिक नहीं हो जाता। सुनवाई के 6ठे दिन यानी 14 अगस्त को वेद पुराण का हवाला दिया गया। रामलला विराजमान की तरफ से ऐतिहासिक पुस्तकों का हवाला दिया गया, विदेशी यात्रियों के यात्रा वृत्तांतों और वेद का हवाला दिया गया। स्कंद पुराण की दलीलें भी कोर्ट में पेश की गई। सुनवाई के 7वें दिन 16 अगस्त को एएसआई रिपोर्ट का हवाला दिया गया, जिस जगह मस्जिद बनाई गई थी उसके नीचे मंदिर का बहुत बड़ा ढांचा मिला था। कोर्ट ने कहा, मंदिर के नीचे जो ढांचा था वो धार्मिक स्ट्रक्चर ही था, ये साबित करें। सुनवाई के 8वें दिन यानी 20 अगस्त को हाई कोर्ट के फैसले का जिक्र हुआ, भगवान राम का मंदिर ढहाकर मस्जिद बनाई गई, ये कहा गया।
सुनवाई के 9वें दिन 21 अगस्त को रामलला के वकील ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, मंदिर अपने आप में भगवान है, महज मस्जिद जैसा ढांचा बनाकर मालिकाना हक नहीं जता सकती। विवादित भूमि पर मुस्लिम पक्ष और निर्मोही अखाड़ा का दावा खारिज हो गया। सुनवाई के 10वें दिन यानी 22 अगस्त को गोपाल सिंह विशारद की ओर से वकील ने अपनी दलीलें शुरू की। मैं उपासक हूँ और मुझे विवादित स्थल पर उपासना का अधिकार है, पूजा का अधिकार मुझसे छीना नहीं जा सकता। भगवान राम का उपासक होने के नाते वहाँ पर पूजा करने का अधिकार है। बाबरी मस्जिद जन्म स्थान पर बनी है, ये अब्दुल गनी ने कहा। ब्रिटिश राज में मस्जिद में सिर्फ जुमे की नमाज अता होती थी, ये भी अब्दुल गनी ने कहा। अब्दुल गनी ने बताया कि हिंदू भी वहाँ पर पूजा करने आते थे। सुनवाई के 11वें दिन 23 अगस्त को निर्मोही अखाड़ा ने कहा, विवादित जमीन पर मालिकाना हक का दावा नहीं कर रहे, सिर्फ पूजा प्रबंधन और कब्जे का अधिकार मांग रहे। अयोध्या बहुत बड़ा है, लेकिन प्रभु राम की तस्वीर सिर्फ राम जन्मभूमि में स्थापित की गई थी। सुनवाई के 12वें दिन यानी 26 अगस्त को निर्मोही अखाड़े के वकील सुशील कुमार जैन ने दलीलें पेश की। हम देवस्थान का मैनेजमेंट करते हैं और पूजा का अधिकार चाहते हैं। जन्म स्थान पर अधिकार न तो देवता के नेक्स्ट फ्रेंड को दिया जा सकता है, न ही पुजारी को। सुनवाई के 13वें दिन 27 अगस्त को 13वें दिन की सुनवाई में निर्मोही अखाड़ा की दलील, 1855 से पहले यहाँ कभी नमाज नहीं पढ़ी गई, 1934 के बाद से भी कभी नमाज नहीं पढ़ी गई, ये मंदिर ही था जिसकी देखरेख निर्मोही अखाड़ा करता था। सुनवाई के 14वें दिन यानी 28 अगस्त को कोर्ट में बाबरी मस्जिद के निर्माण पर बहस हुई। वकील पीएन मिश्रा ने कहा, बाबरी मस्जिद बाबर नहीं औरंगजेब ने बनवाई। मिश्रा ने बाबरनामा, तुजू के जहांगीरी और आईने अकबरी का हवाला दिया। वक्फ बोर्ड ये साबित करे कि 100 से 200 साल से यहां नमाज कब पढ़ी गई। 15वें दिन यानी 29 अगस्त को श्री राम जन्मभूमि पुनरुत्थान समिति ने दलील पेश की। वकील ने कहा, बाबर द्वारा मस्जिद बनाने के सबूत नहीं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को कोर्ट में पढ़ा गया। मस्जिद बाबर ने बनवाई या औरंगजेब ने, इसका कोई सबूत नहीं। 1528 में मस्जिद का निर्माण किया गया, न ही इस बात के सबूत हैं। 16वें दिन यानी 30 अगस्त को राम जन्मभूमि पुनरुत्थान समिति के वकील की दलील पूरी हुई। हिंदू महासभा के वकील हरिशंकर जैन ने अपनी बातें रखी, कई ऐतिहासिक तथ्यों का जिक्र किया गया। शिया वक्फ बोर्ड ने भी दलील पेश की। हिंदू महासभा के वकील ने कहा, एक बार मंदिर बन गया तो हमेशा मंदिर ही रहता है। 1936 में शिया सुन्नी वक्फ बोर्ड बनाने की बात तय हुई, ये शिया वक्फ बोर्ड ने कहा। शिया वक्फ बोर्ड ने कहा कि 1944 में बोर्ड के लिए अधिसूचना जारी हुई, वो मस्जिद शिया वक्फ की संपत्ति थी। सुनवाई के 17वें दिन 2 सितंबर को मुस्लिम पक्षों ने मस्जिद पर हमले का जिक्र किया। कहा गया कि हिंदुओं ने 1934 में बाबरी मस्जिद पर हमला किया, 1949 में अवैध घुसपैठ की और 1992 में इसे तोड़ दिया। सुनवाई के 18वें दिन यानी 4 सितंबर को मुस्लिम पक्ष ने कहा, मस्जिद में छिपाकर रखी गई मूर्तियां, बाबरी के अंदर देवी देवताओं की प्रतिमा का प्रकट होना चमत्कार नहीं था। 19वें दिन यानी 5 सितंबर को मूर्तियां रखने से मस्जिद का वजूद खत्म नहीं होता, मुस्लिम पक्ष ने कहा। मुस्लिम पक्ष ने कहा, विवादित ढांचे का बाहरी अहाता शुरू से निर्मोही अखाड़े के कब्जे में रहा है। 20वें दिन यानी 6 सितंबर को मुस्लिम पक्ष ने कहा, निर्मोही अखाड़ा 1734 से अस्तित्व का दावा कर रहा है, अखाड़ा 1885 में बाहरी आंगन में था और राम चबूतरा वही आंगन में है। सुनवाई के 21वें दिन यानी 11 सितंबर को सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील राजीव धवन ने अपना पक्ष रखा, हिंदू पक्ष के पास जमीन का मालिकाना हक नहीं है, ये मुस्लिम पक्ष ने कहा। मुस्लिम पक्ष ने यह भी कहा कि 22 दिसंबर 1949 को जो गलती हुई उसे जारी नहीं रखा जा सकता। मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन ने कहा, 22 दिसंबर 1949 को मस्जिद के गुंबद के नीचे मूर्ति रख दी गई थी। सुनवाई के 22वें दिन यानी 12 सितंबर को मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन ने कहा कि उन्हें फेसबुक पर धमकी मिली है। सुनवाई के 23वें दिन यानी 14 सितंबर को मुस्लिम पक्ष की तरफ से जफरयाब जिलानी ने बहस शुरू की। उन्होंने कहा, निर्मोही अखाड़े ने विवादित स्थल पर मस्जिद होने की बात मानी। 1885 से 1949 में दायर अपनी याचिकाओं में उसने मस्जिद का जिक्र किया। 1885 में निर्मोही अखाड़े ने कोर्ट में जो याचिका दायर की थी, विवादित जमीन की पश्चिमी सीमा पर एक मस्जिद होने की बात कही थी। सुनवाई के 24वें दिन यानी 16 सितंबर को धवन ने कहा, हिंदू पक्षकारों ने पूरे इलाके पर दावा किया है, मेरी दलील है कि जन्मस्थान कानूनी व्यक्ति नहीं है। दुर्भाग्य से हाईकोर्ट जन्मस्थान वाली दलील में कूद पड़ा था। हिंदू पक्षकार की तरफ से आस्था के साथ साथ जन्मस्थान और जन्मभूमि को लेकर दलील दी गई। अगर हम इसे मूर्ति मानते हैं तो केस को आसानी से निपटाया जा सकता है, अगर इसे जन्मभूमि माना जाता है तो फिर कोई कानूनी उपचार नहीं बच पाएगा। 25वें दिन यानी 17 सितंबर को मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन ने जन्म स्थान को न्यायिक व्यक्ति की तरह पेश किए जाने का विरोध किया। उन्होंने कहा, किसी जगह की परिक्रमा होने के चलते पूरी जगह को पूजा स्थल मान लेना गलत है। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने विवादित जगह पर मंदिर होने के दावे का भी खंडन किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 18 अक्टूबर तक दलीलें पूरी करें ताकि जजों को फैसला लिखने के लिए 4 हफ्ते का वक्त मिले, जरूरत पड़ी तो कोर्ट सुनवाई का वक्त 1 घंटा बढ़ा भी सकती है, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा।
कोर्ट ने कहा हम शनिवार को भी सुनवाई के लिए तैयार हैं। पक्षकार मध्यस्थता के जरिए विवाद सुलझा सकते हैं। सुनवाई के 27वें दिन यानी 19 सितंबर को गर्मा गर्म बहस हुई। धवन ने गुंबद के नीचे गर्भगृह होने के दावे को बाद में गढ़ा बताया। धवन ने सवाल कर रहे जज के लहजे को आक्रामक बता दिया। हालांकि बाद में उन्होंने अपने बयान के लिए माफी मांगी। 28वें दिन यानी 20 सितंबर को राजीव धवन ने विवादित इमारत को मस्जिद साबित करने की कोशिश की। बाबर की आत्मकथा बाबरनामा के अलग अलग संस्करणों का कोर्ट में जिक्र किया। हर संस्करण में साफ तौर पर यह दर्ज है कि बाबर के हुक्म से अयोध्या में मस्जिद तामीर की गई थी। 29वें दिन यानी 23 सितंबर को 1528 में बनाई गई मस्जिद में 1528 से 22 दिसंबर 1949 तक लगातार नमाज पढ़ी गई। ये मुस्लिम पक्ष ने कहा पौने 500 साल पहले यानी 1528 में मस्जिद बनाई गई थी। मुस्लिम पक्ष ने यह भी कहा कि 22 दिसंबर 1949 तक लगातार नमाज हुई। मुस्लिम पक्ष ने कहा एक बार मस्जिद हो गई तो हमेशा मस्जिद ही रहेगी। सुनवाई के 30वें दिन 24 सितंबर को रामचरितमानस की रचना मस्जिद बनने के करीब 70 साल बाद हुई। ये जफरयाब जिलानी ने कहा कहीं ये जिक्र नहीं कि राम जन्मस्थान वहाँ है। जन्मस्थान को लेकर हिंदुओं की आस्था भी बाद में बदल गई। जन्मस्थान और सीता कूप के उत्तर दक्षिण का भी जिक्र किया गया। सुनवाई के 31वें दिन यानी 25 सितंबर को जफरयाब जिलानी ने कहा राम चबूतरे को भगवान राम का जन्मस्थान नहीं मानते हैं। उन्होंने कहा हमने सिर्फ 1886 में दिया गया कोर्ट का आदेश आपके सामने रखा। मुस्लिम पक्ष की तरफ से वकील मीनाक्षी ने ASI की रिपोर्ट पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा बिना सबूत के रिपोर्ट का क्या मतलब है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि वो कोर्ट कमिश्नर है न कि आपका गवाह। सुनवाई के 32वें दिन यानी 26 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की। ASI रिपोर्ट पर मुस्लिम पक्षकारों की ओर से मीनाक्षी अरोड़ा ने अपनी दलील रखी। वहाँ पर हाथी और किसी जानवर की मूर्ति मिलने से यह नहीं कहा जा सकता कि वहाँ पर मंदिर ही होगा। उस समय में वो खिलौना भी हो सकता है जिसको किसी धर्म से नहीं जोड़ा जा सकता। 85 खंभों की बात की जा रही है, उन पर कई इतिहासकारों और पुरातत्वविदों में मतभेद है, मीनाक्षी अरोड़ा ने कहा। सुनवाई के 33वें दिन यानी 27 सितंबर को मुस्लिम पक्ष की ओर से ASI की रिपोर्ट पर दलील दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि मामले की सुनवाई 18 अक्टूबर तक खत्म होनी चाहिए। ASI की रिपोर्ट में कहीं पर भी राम मंदिर का स्थान नहीं बताया गया है, ये मीनाक्षी अरोड़ा ने कहा। राम चबूतरे को वाटर टैंक बताया गया है। ASI रिपोर्ट की जांच होनी चाहिए क्योंकि एक्सपर्ट ने उस पर सवाल उठाए थे, ये भी कहा मीनाक्षी अरोड़ा ने। इस पर जस्टिस बोबड़े ने कहा यह काफी प्राचीन दौर की बात है, इसलिए कोई राय बनाना कठिन है। दोनों पक्षों के तर्क अनुमानों पर आधारित थे। जस्टिस बोबड़े ने कहा हमें इन अनुमानों को पुष्टि करने की जरूरत है। 34वें दिन यानी 30 सितंबर को मुस्लिम पक्षकार ने कहा मस्जिद थी और उस पर कोई विवाद नहीं हो सकता। मुस्लिम पक्षकार ने कहा उस पर किसी दूसरे पक्ष का कोई पहले दावा नहीं था। मुस्लिम पक्षकार ने कहा मस्जिद की मौजूदगी को स्वीकारा जा चुका है, उसे साबित करने की जरूरत नहीं। मुस्लिम पक्षकार ने कहा राम चबूतरे पर छोटी सी मंदिर थी, बाकी पूरा इलाका मस्जिद का था और उस पर दूसरे पक्षकार का दावा नहीं था। सुनवाई के 35वें दिन यानी 1 अक्टूबर को रामलला के वकील के पराशरण ने दलील दी। जन्म स्थान पर मनाया जाए राम का जन्मदिन, राम जन्मभूमि को एक न्यायिक व्यक्ति के तौर पर देखा जाए। मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन ने कहा पहले ये साबित करें वहाँ मंदिर था और लोग पूजा करते थे। 36वें दिन यानी 3 अक्टूबर को निर्मोही अखाड़ा ने कहा कि अब सुनवाई 2020 की तरह है। इस पर खफा सुप्रीम कोर्ट ने पूछा क्या पहले टेस्ट मैच चल रहा था। PN मिश्रा ने भूमि की व्याख्या करते हुए कहा इमारत भी भूमि की श्रेणी में आती है, स्थान का मतलब देवता का भवन या धाम भी होता है, ये PN मिश्रा ने कहा। PN मिश्रा ने कहा राजीव धवन ने कहा कि इस दलील का कोई मतलब नहीं। PN मिश्रा ने कहा भूमि की हिंदू व्याख्या और शब्दकोश अलग है और मुस्लिम डिक्शनरी अलग। हिंदू पक्ष ने कहा कुरान में कहा गया है कि रसूल के विचारों को स्मृति में रखने के लिए उनसे सुनकर उन्हें लिखा गया। हिंदू पक्ष ने कहा परंपरा और धर्म ग्रंथों को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में माना है। 37वां दिन यानी 4 अक्टूबर को पहले कोर्ट ने मामले को सुनने के लिए 18 अक्टूबर तक की तारीख तय की थी। सुनवाई के 37वें दिन सुप्रीम कोर्ट ने 17 अक्टूबर तक मामले की बहस पूरी करने के निर्देश दिए। मुस्लिम पक्ष की ओर से राजीव धवन ने अदालत में अपनी दलीलें रखी। सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष बोला बाबर नहीं था, विध्वंसक मीर बाकी ने मस्जिद बनाई। जस्टिस चंद्रचूड़ ने पूछा क्या कोई सबूत है कि बाबर ने बाबरी मस्जिद को कोई इमदाद दी हो। राजीव धवन ने कहा कि उस दौर में इसका कोई सबूत हमारे पास नहीं। सुनवाई के 38वें दिन यानी 14 अक्टूबर को मुस्लिम पक्षकारों ने आरोप लगाया कि सिर्फ हमसे ही सवाल किए जा रहे हैं। मुस्लिम पक्षकारों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन ने यह टिप्पणी की। सुनवाई के 39वें दिन यानी 15 अक्टूबर को CJI ने स्पष्ट किया बुधवार को इस मामले की सुनवाई का आखिरी दिन है। सुनवाई के 40वें दिन यानी 16 अक्टूबर को पहले मुस्लिम पक्ष को अपनी दलीलें रखने को कहा गया, बाद में हिंदू पक्ष ने अपनी दलीलें रखी। मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन ने नक्शा फाड़ दिया, दोनों पक्षों ने अपनी दलीलें रखी। अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज़।
तो अयोध्या केस की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है और 23 दिन के अंदर फैसला भी आ जाएगा, यानी कि 40 दिनों तक की पूरी सुनवाई हुई। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी नेता लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी मौजूद हैं, साथ ही साथ हमारे साथ आचार्य राघवेंद्र जी जुड़े हुए हैं धर्मगुरु, आचार्य बालमुकुंद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं धर्मगुरु, इसके साथ ही हमारे साथ ए के जैन जी जुड़े हुए हैं वरिष्ठ अधिवक्ता, लेफ्ट नेता सुमित्रा चोपड़ा जी हमारे साथ मौजूद हैं, मैमुना जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं, धनंजय सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि संघ के जानकार हैं, इसके साथ ही नईम रब्बानी जी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि सचिव हैं जमात इस्लामी के, वहीं नवीन शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि वीएचपी नेता हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन मेरा पहला सवाल लक्ष्मीकांत जी आपसे ही है, लंबी बहस चली, बहस पूरी भी हुई, लेकिन अब तारीख और नहीं, इंतजार सिर्फ फैसले का, क्या उम्मीद है आप? देखिए, उम्मीद तो बिल्कुल साफ है, वही उम्मीद है जो पूरे देश को है। और 135 सालों से ये मामला कोर्ट में चल रहा है, जब कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी 1885 में, वो ह्यूम ने की थी, लगभग ठीक उसी वक्त से एक मामला कोर्ट में चल रहा है। 1949 में जब वहाँ रामलला प्रकट हुए और तब से वहाँ जब पूजा होने लगी, तब भी कांग्रेस पार्टी ने इस मामले में रोड़ा अटकाने की कोशिश की। तब के जो मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, गोविंद वल्लभ पंत, वो वहाँ उस मूर्ति पूजा को रुकवाने गए थे, लेकिन तब क्योंकि गवर्नर जनरल का शासन था और डीएम ने सीएम को रोक दिया, क्योंकि संविधान लागू नहीं हुआ था, डीएम का पावर सीएम से ज्यादा था। उसके बाद 1966 में उसी अयोध्या में संतों के ऊपर कांग्रेस पार्टी की सरकार ने गोली चलाई। 1976 में जब आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के आधार पर वहां पर खुदाई शुरू हुई, तो वहां पर जब 8 गुंबज निकल गए तो इंदिरा गांधी ने खुदाई को रोक दिया। 1988 में जब वहां धर्म यात्रा निकल रही थी तो उसको राजीव गांधी की सरकार और उत्तर प्रदेश की कांग्रेस पार्टी की सरकार ने रोक दिया। 1990 में जब वह कार सेवा निकल रही थी, तब हजारों निहत्थे कार सेवकों पर गोली चलाने वाले मुलायम सिंह यादव की सरकार, तो सबको पता है, लेकिन 90 के दशक से जिस सोच के साथ आपकी पार्टी आगे बढ़ रही है, क्या उसी दिशा में ये फैसला जाता हुआ दिख रहा है? बिल्कुल उसी दिशा में जाएगा, और मैं उसका कारण, मैं जो बता रहा हूं उसका कारण भी आपको बताऊंगा। 1990 में कार सेवकों पर गोली चलाने वाले मुलायम सिंह की सरकार बचाने वाली कांग्रेस पार्टी थी। 1992 में जब बाबर का ढांचा ढा दिया गया, तब उस बाबर का ढांचा ढाने के बाद तब के प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव ने कहा कि हम मस्जिद को दोबारा बनाएंगे। और उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आई, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने जो कोर्ट में सबूत पेश किए, उनके आधार पर कोर्ट ने आदेश दिया कि वहां पर दोबारा से खुदाई हो और खुदाई में जो भी तथ्य और सबूत निकल कर आए कोर्ट में पेश किए जाएं। और उसी के आधार पर जब दोबारा खुदाई वहां पर हुई, तो वहां भगवान राम की मूर्ति, भगवान हनुमान की मूर्ति, वहां पर शिवलिंग, वहां पर बहुत सारे गुंबद और बहुत सारे से सबूत बदली भी। आप उम्मीद आप ही लोग यही कर रहे हैं कि आपके पक्ष में फैसला जाएगा। चलिए एक एक रिएक्शन पहले सबसे ले लेते हैं, लेकिन आचार्य राघवेंद्र जी आप लोगों ने भी एक कड़ा संघर्ष किया है, किस तरीके से देखते हैं, क्या उम्मीद है? जी मैम, सबसे पहले मैं बधाई देना चाहता हूँ फर्स्ट इंडिया न्यूज़ को, जो पिछले एक साल से इस पे विशेष मुद्दे को, इस कवरेज को पिछले एक साल से लगातार इस पे लाइव दिखा रहे हैं और हमेशा शाम को डिबेट देते हैं। अब दूसरी तरफ देखते हैं, भाई लक्ष्मीकांत जी अभी कह रहे थे लगातार, तो इनकी आवाज़ से ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं ये जो फैसला है नरेंद्र मोदी जी देने जा रहे हैं, तो मैं ये मानता हूँ कि नहीं, मुझे इस बात पे बार बार, मैं हमेशा मैं आता हूँ, खुश मैं हम क्यों नहीं होंगे, हम सबसे ज्यादा तो संत समाज जो खुश हुआ है, फिर पूरा भारत देश खुश हुआ है, लेकिन जो बात कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी भी खुश हो रहे हैं, उसमें आपको क्या समस्या है? आप विशेष ये किसी पार्टी विशेष को आप ये नहीं कह सकते, क्योंकि क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँ, जब बात, मैं पिछली बार भी डिबेट में था, यही हमारे लक्ष्मीकांत जी हमारे साथ ही बैठे थे, कि जब बात यहाँ आती है कि पूरे देश में या तो मामला सुप्रीम कोर्ट का फैसला है या मामला नरेंद्र मोदी जी का है, कि मामला कौन फैसला देगा पहले ये डिसीजन करना है हमारे पास, बता दीजिए, तो फैसला सुप्रीम कोर्ट दे रही है, हियरिंग ही नहीं होती थी, फैसला सुप्रीम कोर्ट देगी ना कि नरेंद्र मोदी। आप तो यूनिवर्सिटी के हमारे से, मैं जानता हूं महाराज, आप तो ये बताइए कि जब कांग्रेस पार्टी ने एफिडेविट देकर ये कहा, आप ये कोर्ट ने एफिडेविट देकर जब कांग्रेस पार्टी ने कहा राम है ही नहीं, राम का अस्तित्व ही नहीं है, तो उसकी निंदा तो कर दीजिए महाराज, उसकी निंदा तो कर दीजिए, कांग्रेस की निंदा तो कर दीजिए महाराज, सबसे पहले महाराज कांग्रेस की निंदा तो कर दीजिए, आप महाराज साधु संत है, सन्यासी है, राम के भक्त है, कांग्रेस की निंदा तो कर दीजिए, वो कहती है कि रामलला है मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, फैसला सुप्रीम कोर्ट देगी या नरेंद्र मोदी, श्रेय सुप्रीम कोर्ट को जाना चाहिए। सीधा सवाल ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो भी फैसला आता है वो आप स्वागत करेंगे, उसका मानेंगे, सभी लोग स्वागत करेंगे, कांग्रेस की निंदा भी करेंगे, लक्ष्मीकांत जी क्या आप उसे मानेंगे उस फैसले को? हम तो बिल्कुल मानेंगे, हमें तो पता मंदिर बनेगा, आप लोगों ने पहले कह दिया कि मंदिर बनेगा, सुमित्रा चोपड़ा जी इन लोगों ने तो पहले बता दिया कि मंदिर वहां बनने जा रहा है। देखिए ऐसा है, सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देगी वो सबको मानना होगा, लेकिन
जो हिंदुत्ववादी ताकतें हैं वो मानेंगी, इस पर डाउट है। यदि उनके पक्ष में फैसला नहीं आया तो वो नहीं मानेंगे, क्योंकि केरल के अंदर सबरीमला मंदिर के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, आप सुनिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, सारी ताकतें फैसले के खिलाफ राज्य को नहीं आया, फैसला नहीं मानोगे, ये बात मैं कह सकती हूँ। केरल के बारे में बात नहीं करनी आपको, आप देखिए खत्म कर दिया आप लोगों ने, जन्म स्थान है हाई कोर्ट पहले तय कर गया है, ठीक है ना, कुल मिलाकर वो जमीन का जो बंटवारा हुआ उस जमीन के बंटवारे के जन्म क्या हो गया है, इसलिए यहाँ भगवान राम का शाश्वत नियम है, भगवान राम वहाँ पैदा हुए, वो हमारा जन्म स्थान है और वहाँ भव्य मंदिर बनेगा और कोर्ट का निर्णय भी उसी दिशा में जाएगा, क्योंकि सत्य यही है, सत्य किसी के बार बार चिराने से, किताबें में लिख देने से बदल नहीं जाता। सर आप लोगों को तो स्टैंड ही समझ में नहीं आता, जब चुनाव आते हैं तब आप लोगों को राम मंदिर की याद आ जाती है, हर बार तो हमने यही देखा है, पहले इतने चुनाव गए, हर बार ये हुआ है, हमने अपने प्रयास पूरा मेहनत से काम किया, हमने नहीं, प्रत्येक हिंदू ने 490 वर्षों में कई बार संघर्ष में, सैकड़ों संघर्ष में लाखों लोगों ने जान दी है, ठीक है, बाबर जैसा लुटेरा आक्रमणकारी के पक्ष में जो लोग खड़े होते हैं वो पाप के भागी हैं, उस देश के आक्रांता है, आक्रांताओं के जिन जिन लोगों ने पैरवी की है वो सब पाप के भागी है, अधर्म है वो लोग, इस देश के अंदर आकर जो लूट रहे हैं हमारे देश को, जिसने देश को रोन दिया उस देश के नाम पर, तो सर सीधा सवाल ये है ना कि अगर सुप्रीम कोर्ट बात कर रही, आप लोग कह रहे हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही मान्य होगा, अगर हम में से कोई बात करता है बाबर जैसे लोग की कोई पैरवी करता है, ये पैरवी करना ही पाप है, क्या बाबर अगंडा नहीं था, आप ही करेंगे, बाबर लुटेरा नहीं था, आप ही करेंगे, पाप पुण्य का फैसला, बाबर का इतिहास, बाबर का इतिहास किसे पता नहीं है, बाबर के बारे में कोई अच्छा बाबर के बारे में तो सब जानते हैं, आक्रमणकारी था वो, फिर उस बाबर की मस्जिद की बात ही क्यों जा रही है, भारत में मंदिर तोड़े, हजारों हिंदुओं का कत्ल कर दिया, धर्मांतरण कर दिया, उसके बाबर की बात और बाबरी मस्जिद की बात ही नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, अगर बाबरी मस्जिद है भी उसको हटाना चाहिए, वो वाकई भी पाप है, बिल्कुल, चर्चा को आगे हम जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो जल्द ही आने वाला है सबसे बड़ा फैसला जिस पर देश भर की निगाहें टिकी हुई हैं और इसी पर आज हम कर रहे हैं चर्चा। तमाम खास मेहमान इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मैमुना जी, क्योंकि अयोध्या ने भी बहुत लंबे दशक से विवाद देखा है, विवादों में घिरी रही है अयोध्या, अब ये कहें कि इस फैसले के आने के बाद कम से कम अयोध्या भी विवाद मुक्त हो जाएगी? बिल्कुल, एक रिलीफ मिलेगा मुझे ऐसा लगता है, और ये फैसला जितना जल्दी हो जाए उसके लिए मैं कहती हूँ खाली एक हिंदू पक्ष ही नहीं, मुसलमान पक्ष भी बहुत इंतज़ार में है कि जितना जल्दी ये विवाद ख़त्म हो उतना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इस पर जितनी सियासत हो रही है सालों से उतनी किसी और विवाद पे सियासत नहीं हो रही है। और एज अ मुस्लिम मैं ये बात कहना ज़रूरी समझती हूँ कि अब मुसलमान जो है वो विवाद नहीं चाहता, देखिए सुकून चाहता है, और सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला है हम उसका आदर करेंगे, बिल्कुल भी हम कोई आर्गुमेंट उसमें नहीं देंगे, क्योंकि वहां पर कोई भी आस्था से रिलेटेड फैसला नहीं होगा। नहीं, ये बात तो बहुत पहले से हम सुनते हुए आ रहे हैं कि हम लोग कोई विवाद नहीं चाहते हैं और जो भी फैसला होगा वही चीज है, बिल्कुल, और बहुत ज्यादा टाइम भी दिया गया था इसी वजह से कोर्ट की तरफ से कि मध्यस्थता का भी ऑफर दिया गया था, लेकिन कंक्लूजन नहीं निकल पाया ना कुछ भी। देखिए कंक्लूजन इसलिए नहीं निकल पा रहा है ना कि सियासत बहुत ज्यादा हो रही है, दोनों साइड से सियासत हो रही है, कोई एक साइड से सियासत नहीं हो रही है, तो जब तक सियासत होती रहेगी कंक्लूजन नहीं निकलेगा, जब तक सही तरीके से सही लोग बैठकर बात करके उसको नहीं निपटाएंगे तब तक हर जगह फसाद ही फैलेगा, और फसाद होना नहीं चाहिए मैं जहां तक सोचती हूँ। और इतने साल से हम भी बचपन से हम ये सुनते चले आ रहे हैं, बचपन से हम ये फसाद देखते चले आ रहे हैं, बहुत दूरियां आपस में आ गई हैं, गंगा जमनी तहजीब जो हिंदुस्तान की एक पहचान हुआ करती थी उसमें सबसे ज्यादा नरेंद्र मोदी तो ये कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, मैं कहने में और करने में बहुत फर्क होता है, करने में और कहने में जमीन आसमान का फर्क होता है, ये आप भी अच्छी तरह से जानती हैं और मुझसे बेहतर आप ज्यादा जानती हैं। लेकिन कैसी कोशिशें जो वो कर रहे हैं वो रंग लाती हुई दिखती है नहीं। लेकिन जिस तरीके से 40 दिनों तक की पूरी हियरिंग चली है, जिरह चली है, वो आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए इस सारे विवाद को आप देखें उसके लिए तो अपने अपने पक्ष अपनी बात कह रहे हैं,
पर ये जो जजमेंट आने वाला है, सबसे पहली चीज सुप्रीम कोर्ट ने डेडलाइन फिक्स की। सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी थी कि टाइम पे मुकदमे को तय करती। कई लोगों ने देरी करने की कोशिश भी की, पर सुप्रीम कोर्ट ने एक आयरन हैंड से उन सबको रोका है और इसको तय करना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है कि अंतिम रूप से मुकदमे को तय करे, और कोई चाहे या नहीं चाहे जो भी फैसला आया मानना पड़ेगा, क्योंकि सर्वोच्च अदालत है, इसके बाद कोई अदालत नहीं बचती। पर एक सबसे बड़ी बातें जो इसमें इग्नोर हो रही है, इस पर लीगल फैटर्निटी जो इन चीज को, कि इसमें कई बड़े कानूनी मुद्दों के बारे में सुप्रीम कोर्ट एक दिशा निर्देश, एक भविष्य की लाइन तय करेगी। एक इसमें क्योंकि कई पक्षों ने आवाज लिमिटेशन की आवाज उठाती कभी कभी दावाज में इसके साथ में, तो यहाँ ये भी सुप्रीम कोर्ट ये भी तय करेगी कि किसी भी मुकदमे को शुरू करने की, विवाद को शुरू करने की जो लिमिटेशन है वो कब से मानी जाएगी, कहां से शुरू होगी। एक दूसरा बहुत बड़ा इशू इसमें तय होने वाला है कि ये अंग्रेजों के जमाने से कानून आया था कि आइडोल मूर्ति, उन्होंने आइडोल शब्द का यूज किया कि वो एक शाश्वत नाबालिग होती है जो अपनी संपत्ति रख सकती है, परंतु हिंदू मतांतर में भी कई पंथ ऐसे हैं जो मूर्ति को नहीं मानते। क्या उनकी संपत्ति शाश्वत नाबालिग या समाज की संपत्ति नहीं रहेगी? एक सुप्रीम कोर्ट, और इसीलिए वैद्यनाथन ने क्वेश्चन उठाया था कि जन्मभूमि इटसेल्फ एक मंदिर है, तो एक आइडोल की क्या डेफिनेशन है, वो भी इस मामले में तय होने वाली है कि मूर्ति विराजमान या मूर्ति इटसेल्फ क्या एक मूर्ति जो है उसी माना जाएगा, एक पर्टिकुलर पूरे स्थान को मूर्ति मानकर दिया। तो ये कई ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें तय होने वाले हैं, क्योंकि 5 जजेज की कॉन्स्टिट्यूशनल पीठ है, बड़ी पीठ है, इसके निर्णय सारे हिंदुस्तान में माने जाएंगे। सिर्फ राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद को लेकर नहीं, ये कानूनी मुद्दे जो तय होंगे देश के कई विवादों पर इस बात का असर बिल्कुल आगे आपसे ये जानेंगे कि किस तरीके से पूरा प्रोसीडिंग जो है वो रहने वाली है। लेकिन एक एक रिएक्शन पहले ले लेते हैं। नईम रब्बानी जी, आचार्य राघवेंद्र तो ये कह रहे हैं कि फैसला हिंदुओं के पक्ष में ही आएगा, साधु संतों के पक्ष में ही आएगा, बीजेपी भी यही दावा कर रही है, आप क्या सोचते हैं, आपका रिएक्शन? देखिए, पहली बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा उसको मुस्लिम पर्सनल बोर्ड और मुसलमान मानने को तैयार हैं, और मैं इस बात से जैसे राघवेंद्र जी उम्मीद है कि फैसला उनके पक्ष में आएगा, उसी तरह से मैं भी इस बात के पक्ष में हूँ कि फैसला हमारे पक्ष में आएगा और वो मस्जिद बनाने के पक्ष में फैसला आएगा, क्योंकि जिस तरह से उसको डेमोलिश किया गया वो बिल्कुल इस संविधान, इस देश के संविधान की धज्जियां उड़ा करके और उसको डेमोलिश किया गया था। दूसरी बात ये कि मैं इसमें कुछ अभी बात पॉलिटिकल चल रही है, तो मैं सुषमा स्वराज जी जो इस दुनिया में नहीं रही, उन्होंने 14 अप्रैल 2000 को कहा था कि दैट द टेम्पल मूवमेंट वॉज प्योरली पॉलिटिकल इन नेचर एंड हैड नथिंग टू डू विथ रिलीजन, कि पूरा पॉलिटिकल इस टेम्पल मूवमेंट को चलाया जा रहा है और इसका रिलीजन से रास्ता से कोई ताल्लुक नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी का कोर्ट 1990 का है जिसमें वो कहते हैं कि नो कोर्ट कैन गिव अ क्लियर वर्डिक्ट ऑन द इशू एंड इवन 30 साल मूवमेंट दिखता है क्या आपको? आपको 1949 का मूवमेंट नहीं दिखता क्या? अगर आपको 1855 का मूवमेंट नहीं दिखता क्या? उससे पहले जितनी बार यहाँ पर, अरे सर, ब्रिटिश राज ने जितनी बार ब्रिटिश राज के अंदर बाबरी मस्जिद के जो इमाम थे उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से उनको 90 साल की तनख्वाह दी जाती थी। आप इतिहास का थोड़ा सा हिस्ट्री का मुताला कीजिए, उसके बाद आपको मालूम चलेगा। आप थोड़ा थोड़ा हिस्ट्री का मुताला कीजिए। आडवाणी जी जिन्होंने 1992 के अंदर इस देश में फसाद फैलाने का काम किया, वो खुद इस बात को कहते हैं, कश्मीर आपके सामने फसाद आपने किया। आप अक्टूबर 1990 का उनका स्टेटमेंट देख सकते हैं लाल किशन आडवाणी जी का, और वो उसमें कहते हैं कि इस बात को कोई नहीं कह सकता कि राम श्री मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का जन्म स्थान कौन सा है, कौन सा पिन पॉइंट है जिसको वहां बताया जा सकता है। तो आप अपने इतिहास को सही करने का काम कीजिए और उसके बाद में आप बात करने की कोशिश कीजिए। इस देश का नागरिक, इस देश की चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, इस देश की शांति चाहते हैं, और सबका इस बात के ऊपर मैंने कहा कि मुस्लिम पर्सनल बोर्ड इस बात को कह चुका है कि वो जो कोर्ट का फैसला आएगा उसको मानने को तैयार है। आप रामचरित मानस की बात करें, सर मेरी बात सुनिए, आप रामचरित मानस में ये बात नहीं लिखी हुई, वो पिन पॉइंट कहां बताया गया? श्री राजगोपालाचारी की
जयपुर में सबसे पहले किसको मारा, किन लोगों ने मारा, आपको याद नहीं है क्या? बांधने में कौन मारा? करने वाले दंगाई होते हैं, बिल्कुल नहीं होते। जयपुर शहर में पत्थर किसने मारा? फसाद ये कहेंगे ये गलत है, इसको कोई स्वीकार नहीं करेगा। राम भगवान के नाम पर कितनी ज्यादा सियासत हुई ये तो और कोई जानता है? राम के नाम पर राम भगवान ने मैं सोरेन की बात बताता हूं आपको। आर्य शर्मा साहब ने शुरुआत, आर्य शर्मा साहब ने जब अयोध्या गए तो उन्होंने अलग अलग मंदिरों उनसे पूछा कि भाई राम जी का कौन सा जन्म स्थान है, तो जितने मंदिर के लोग थे जो पुजारी थे उन सब ने ये कहा कि ये हमारा जो मंदिर है वही राम जी का जन्म स्थान है। फसाद खत्म हुआ तो उसके लिए धन्यवाद ही देना चाहिए ना। क्या कह रहे हैं, सुन नहीं पा रहा आप क्या कह रहे हैं? कोशिश कर रहे हैं आप लोग, वो भाई साहब कुछ कह रहे हैं और आप कह रहे हो कि फसाद खत्म हुआ। दिव्या जी आपका मन खराब है, दिव्या जी आप एक तरफ कह रहे हैं सरकार ने ठीक किया इसको, कोर्ट के फैसले भारत की सरकार ने ठीक किया है, ये तो आप भारत को सिराम अभी से इतने पिछले परेशान क्यों हो रहे हैं? आपने हमला कर दिया है, ठोस रखा है पहले। अगर आप ये बात बोल रहे हैं कि आप लोग जिस तरीके के हालात हैं फैसला रहता है वो मानेंगे तो फिर अभी से इतना विवाद क्यों, पहले की शांति अभी से परेशानी क्यों, इंतजार कर लीजिए ना कुछ दिनों का। हिंदू समाज को भी कोई विवाद नहीं करता, सुप्रीम कोर्ट भारत के आधार के इतिहास के आधार पर, भारत के साक्ष्य के आधार पर अभी सबकी आंख दिखती है। वहाँ पर मूर्तियां हैं, वहाँ पर धार्मिक चिन्ह मिल रहे हैं, उसके बाद भी अपेक्षा करते हैं वहाँ मस्जिद बनेगी? बाबर की मस्जिद मस्जिद बाबर का नाम ही मिल गया, बाबर का नाम ही क्यों नाम की आतंकवादी का नाम लेना पाप है, कहीं नहीं बनने देंगे बाबर का नाम ही। मतलब यहाँ पर राम जन्मभूमि नवीन शर्मा जी के पास भी चले जाते हैं, बाबर का नाम लेना चाहिए। नवीन शर्मा जी भी हमारे साथ राम मंदिर यहाँ नहीं बनेगा तो क्या पाकिस्तान कराची बनेगा? एक एक करके सर, पहले नवीन शर्मा जी को भी एक बार ले लेते हैं। नवीन शर्मा जी आप, आपका रिएक्शन क्या, उम्मीद फैसला आने वाला है? सादर प्रणाम पैनल सर, एक ही करके समस्त पैनलिस्टों का अभिवादन। दक्षिण भारत तक रुक जाइए सर, सर एक ही करके सुनिए, बात सुनिए, समस्त पैनलिस्टों का अभिवादन। नवीन शर्मा जी आप बोलिए। जी जी बिल्कुल, देखिए तमाम पैनलिस्ट, तमाम बुद्धिजीवी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मानिए के जैन साहब बैठे हुए हैं, नईम रब्बानी जी बैठे हुए हैं, आप बोलिए, सभी समझदार लोग यहाँ बैठे हुए हैं सर। लेकिन साइलेंट प्लीज, साइलेंट, अब आप जरा बोलने देंगे तो बात आप तक पहुंचेगी। कहना यह है, कहना यह है दोनों ही पक्षों ने, दोनों ही लक्ष्मीकांत जी रुक जाइए सर, एक एक करके आप पहले इन्हें बोलने दीजिए, पहले एक बार इनको बोल लेने दीजिए मैम, उसके बाद विवाद यहाँ पर शुरू हो गया है और कहा यह जाता है कि जो भी फैसला होगा वो हमें मान्य होगा। इसी पर आगे भी हमारी चर्चा जारी रहेगी, फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो अयोध्या विवाद पर जल्दी आने वाला है सबसे बड़ा फैसला और जिस तरीके से दलीलें पेश की गई हैं कोर्ट के भीतर हर कोई आश्वस्त नजर आ रहा है कोर्ट के फैसले को लेकर, और देखना होगा क्योंकि 23 दिन के भीतर माना जा रहा है कि फैसला भी सामने आ जाएगा। इसी मुद्दे पर हम कर रहे हैं चर्चा, तमाम खास मेहमान इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। नवीन शर्मा जी मैं आपका रुख करना चाहूंगी, क्या इस बार अयोध्या में दिवाली मनने जा रही है, किस तरीके से क्या उम्मीद है? बेशक अयोध्या में इस बार दिवाली मनने जा रही है। सुमित्रा जी का जैसा कहना है कि इन्होंने पहले ही कयास लगा लिया कि हिंदूवादी संगठन जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानेंगे। इनके इस जो इन्होंने ये भविष्यवक्ता होने का प्रमाण दिया है, मैंने सादर नमस्कार नहीं दिया, मैंने तो जो आप करते हैं वो बताया है। इनको सादर केरल में आपने किया वो बताया मैंने तो। देखिए पैनलिस्ट, देखिए पैनल में मौजूद सभी आप लोगों से मेरी गुजारिश है, जो बोल रहा है उसे बोलने का मौका दें। आप इसे मेरी बात सुनिए प्लीज, आप इसे संसद बनाने की चेष्टा ना करें, आप बात को सुने, तसल्ली से सुने, मैंने आपको बहुत तसल्ली से सुना। आपका जो फ्रस्ट्रेशन यहाँ दिखाई दे रहा है, ये फ्रस्ट्रेशन आज सुप्रीम कोर्ट में आपके वकील के सामने भी दिखाई दिया। आपके वकील राजीव धवन ने जिस प्रकार विकास सिंह के द्वारा पेश किए गए एक नक्शे को 5 टुकड़ों में बांट दिया,
वो आप लोगों का फ्रस्ट्रेशन है। जो फ्रस्ट्रेशन ये शो कर रहा है, आप लोग इस बात को मान चुके हैं इंटरनली कि राम मंदिर का फैसला हिंदू संगठनों के पक्ष में होने जा रहा है, आप इस बात को मान चुके हैं। और मानने के बाद अब जब आपको ये गले उतर नहीं रही चीजें, तो आप मनगढ़ंत ऐसी चीजों को बाहर लेके आ रहे हैं कि साहब हिंदूवादी संगठन इन चीजों को नहीं मानेंगे, वो आंदोलन कर देंगे, रोड़ों पर तोड़ेंगे। क्यों, क्या भविष्यवाणी करना चाहते हो, क्या साबित करना चाहते हो आप? आप प्रोवोक करना चाहते हैं जी? भविष्यवाणी तो आप लोग भी कर रहे हैं, प्रोवोक करना चाहते हैं। आपने पहले कैसे कह दिया? बड़े पुराने बात नहीं है नवीन शर्मा जी, आपने पहले कैसे कह दिया? इंतजार करिए ना थोड़ा सा। देखिए जो आपका फ्रस्ट्रेशन दिखाई दे रहा है ना, ये फ्रस्ट्रेशन इस बात का सबूत है कि आप लोग इंटरनली इस बात को मान चुके हो कि रामलला के पक्ष में सीजीआई अपना फैसला देगा। आपको ये बात माननी पड़ेगी। पक्ष में जाने वाला है नवीन शर्मा जी, तो भी आप स्वागत करेंगे ना फैसले का? ये मौका है, जो लोग गंगा जमुना तहजीब की बात करते हैं, गंगा जमुनी तहजीब की बात करने वाले लोगों को ये मौका है, इस फैसले को सर माथे पर बिठाएं और गंगा जमुनी तहजीब को जिंदा रखने में एक बड़ा कदम अपना रखें, करें इस फैसले का स्वागत करें। आप मुझे बोलने देंगी प्लीज? आपका फ्रस्ट्रेशन जायज है, मैं आप लोगों ने भी खूब सरकारें बदली है, खूब खूब। अरे कितनी सरकारें बदल गई आप लोग की तो मैनिफेस्टो में कब से? तो मैंने अभी तक क्यों नहीं? तो आपने इंट्रो में आपको पूरे गिराए कि हमने कहा काम किया, कांग्रेस पार्टी ने एफिडेविट दिया, आपने किया वो तो गिनाया मैंने आपको। आप लोगों ने सरकार की तरफ से जो लड़ाई लड़ी किसने लड़ी? वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आने पर आज ये फैसला हुआ है। कांग्रेस की सरकार में तीन तीन साल की तारीख पड़ती थी, इसी केस में तीन तीन साल की तारीख पड़ती थी कांग्रेस की सरकार में। हमारी सरकार के समय में आईडी हियरिंग की एफिडेविट लगाई और तब जाकर इन्होंने आने की नौबत आई है। हमने कुछ नहीं किया, हमने किया इसलिए आज फैसला हुआ। पाकिस्तान से एक लुटेरा आया जिसने इस देश पे आक्रमण किया, उसकी कब्र भी इस देश में नहीं है, अफगानिस्तान में जाकर मरा, उसकी वकालत करने वाले इस देश में लोग हैं। पूरे देश की संस्कृति जिस नाम से जुड़ी है, भगवान श्री राम का मंदिर बनाने में रोड अटका रहे हैं, किस तरह की बातें हो रही है यहाँ पर? कौन रोड अटका रहा है? क्या भगवान राम के मंदिर तो इतने हैं समर्थन देकर बचाया। इसलिए इस देश में राम मंदिर का निर्माण ये आज की भावना नहीं है। जब जब बाबर ने राम मंदिर को ध्वस्त करके वहां पर मस्जिद बनाई थी, तब से लेकर आज तक प्रत्येक युग में प्रत्येक सदी में हिंदू इस बात के लिए लड़ता आया कि जहां भगवान राम का जन्म हुआ है वहीं पर मंदिर बनना चाहिए और मंदिर भव्य बनना चाहिए। मंदिर आज भी है, मंदिर वहां भव्य बनना चाहिए। एक बात मुझे बताइए, अगर 2010 का जो फैसला आया था हाईकोर्ट का, सब वही रहता है, तो क्या हम तो कभी पक्षकारी नहीं है? हम तो कह रहे हैं आज बहस होनी चाहिए बेरोजगारी पर, आज बहस होनी चाहिए देश के बनने की तरफ अग्रसर है। लेकिन कोर्ट का निर्णय भगवान राम का मंदिर बनाने के पक्ष में आएगा, क्योंकि जो जो एविडेंस कोर्ट में पेश किए गए वो सारे के सारे सबूत ये कहते हैं कि यहाँ पर भगवान राम का मंदिर तो बाबर ने अपने ढांचे का निर्माण किया था। तारीख मांगी जा रही थी कि मंदिर कब बनेगा, तारीख तो बता दीजिए।
अब तारीख नजदीक आई है तो 370 वहाँ मंदिर बने, मस्जिद बने, हमें तो कोई मतलब नहीं है, कुछ भी बने बन जाना चाहिए, देश को शांति रहने दीजिए, देश में शांति रहे, ये करो आप कुछ प्रयास छोटे से ब्रेक के लिए तमाम खास मेहमान लगातार हमारे साथ मौजूद है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो जल्दी आने वाला है बड़ा फैसला और एक बड़ा पैनल इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है, जिनके साथ हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि वो आप किस तरीके की उम्मीद जाहिर करते हैं। एसके जैन जी, लेकिन जिस तरीके से हमने देखा कि एक लंबी प्रोसेसिंग पूरी इसकी चली, अब आगे क्या? देखिए, अब ये अंतिम दौर में है, आर्ग्यूमेंट्स पूरे हो चुके हैं, तीन दिन के अंदर अंदर जिस जिसको अपना रिलीफ मोल्ड करना है, एक सुप्रीम कोर्ट का प्रोसीजर था उसके तहत वो देंगे, जजेज की मीटिंग होगी और फिर उसके बाद जजेज अपना अपना व्यू रखकर देंगे। और नॉर्मल सिस्टम सुप्रीम कोर्ट का है कि एक महीने के अंदर अंदर फैसला आ जाता है, पर ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का फैसला, हमें एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए, पांच जजेजों के विचार अलग अलग भी हो सकते हैं, पांच जजेज के विचार एक जैसे भी हो सकते हैं। लेकिन एके जैन जी, जो मध्यस्थता वाली रिपोर्ट है उसे भी काउंट किया जाए? मध्यस्थता वाली रिपोर्ट कोई एविडेंस नहीं होती, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो फैसले होते हैं वो कानून और साक्ष्य के आधार पर, मध्यस्थता एक प्रोसेस है, मध्यस्थता में कोई बात क्या हुई वो बात कोर्ट जब फैसला करती है तो वो अपने रिकॉर्ड पर नहीं ले सकती, मध्यस्थता की रिपोर्ट कोर्ट के रिकॉर्ड का पार्ट नहीं होती है, वो एक कोशिश है कि आउट ऑफ कोर्ट कैसे सेटलमेंट कर लिया जाए, क्योंकि जो बीच में आज वायर में रो जो खबर आई थी वो उसमें यही आया था कि उन्होंने किसी भी मीडिएटर के सामने कोई प्रस्ताव रखा विद मेनी कंडीशंस कि सब हम ये जमीन को छोड़ देते हैं पर बदले में फलानी जगह ये होना चाहिए, उस जगह ये होना चाहिए, दूसरा विवाद नहीं खड़ा थे, दैट वाज उनका प्रपोजल था जो कोर्ट के सामने नहीं था बल्कि मीडिएटर के सामने था। और मीडिएटर का काम होता है कि जब सारे पक्ष आपस में सहमत हो जाएं तब कोई फैसला किया जा सकता है, मीडिएटर कोई कोर्ट की तरह फैसला कभी भी नहीं कर सकता, इसलिए जो रिपोर्ट मीडिएटर्स की है वो कोर्ट रिकॉर्ड का पाप नहीं है, कोर्ट के सामने जो एविडेंस दोनों पक्षों ने दिए, जो आर्गुमेंट दोनों पक्षों ने किए उसके आधार पर। बिल्कुल रबानी जी, आज जिस तरीके से ये हमने देखा कि 40 दिनों तक सुनवाई जो चल रही थी वो बहस पूरी हो गई, लेकिन आप लोगों को लगता है कि पूरा वक्त दिया गया तमाम सबूतों के लिए, दलीलों के लिए, सेटिस्फाइड हैं आप लोग? देखिए, दलील तो बहुत लंबे दौर तक भी चल सकती है और इससे सेटिस्फाई कोई हो भी नहीं सकता, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट ने पहले इस बात को तय कर दिया था कि आपकी डेडलाइन इतनी है, इसी बीच में आपको अपना जो भी एविडेंस देने वो उसके अंदर देने पड़ेंगे, वरना आप इसको 4-6 साल इतने बरसों से केस चल रहा है तो उसके बाद भी इसमें अभी तक एविडेंस ही चल रहे हैं, तो ये इस देश का एक सिस्टम है जो हमारी नाकामी है कि हम इन चीज़ों को समेट नहीं पाते हैं और बहुत चीज़ें जो है हमारी लंबी खिंच जाती हैं, क्योंकि यहाँ जजेस की कमी है, न्यायपालिका का इस तरह का मामला है कि उनके पास जजेस नहीं है तो वो फैसले नहीं आ पाते, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा किया कि इसकी एक डेडलाइन दी कि इस डेडलाइन के अंदर ही उसको आपको फिनिश करना पड़ेगा। रही अभी हमारे दोस्त नवीन शर्मा जी कह रहे थे कि भाई फ्रस्ट्रेशन हुआ है राजीव धवन को वहां पर, हाँ, तो जब इसका रिएक्शन मैं भी आपसे लेना चाह रही थी, तो जब बात ये हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट ये कह चुका है कि आपको इस चीजों को नहीं देना है, जो चीज मांगी जा रही है उसी को आप दीजिए, तो आप उसके विरोध में अगर कोई दूसरी चीज देना चाहेंगे तो यकीनी तौर पर उस चीज का कोई इंपोर्टेंस यहाँ पर नहीं है, और आप जो है सुप्रीम कोर्ट का टाइम वेस्ट करना चाह रहे, आप सुप्रीम कोर्ट का टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ये ठीक बात नहीं है, जब एक गाइडलाइन आपको दी जा चुकी है उसी गाइडलाइन के अंदर आपको अपना काम करना चाहिए, उसी के एविडेंस आपको देने चाहिए ताकि न्यायपालिका को अपना जवाब देने में आसानी हो सके। नहीं जी, कागज का जवाब कागज, तर्क का जवाब तर्क, क्या कहा था ये पन्ने फाड़ देना, मतलब स्टेशन तो था कहीं ना कहीं, जब आप
आपको ये गाइडलाइन दी जा चुकी है, उसी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आपको गाइडलाइन बार बार आपको दी जा रही है। तारीख का जो टाइम जिस डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है, जिस डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है, आप माननीय कोर्ट पहले भी बात कह चुका है कि आपको ये सब इन चीजों की जरूरत नहीं है। रवानी जी आप जो टाइटल सूट की बात है, आप टाइटल सूट के पेपर दीजिए, आप फॉरेन के उसकी कोई जरूरत नहीं है। आपके कहने से थोड़ी होगा, नहीं मेरे कहने से नहीं, जो कागज सुनवाई हो रही है उसकी बात मैं कर रहा हूँ। आपके पास जो सुप्रीम कोर्ट एक गाइडलाइन दे चुका आपको, उसी गाइडलाइन के हिसाब से आपको अपनी डॉक्यूमेंट पेश करने चाहिए। तारीख निकल गई थी क्या? तारीख टाइम खत्म हो चुका है। आज सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हमारा कई कीमती है। एक आपको तैयार रहिए मिठाई खाने के लिए और दिवाली मनाने के लिए। आप सुन लीजिए, हम खिलाएंगे आपको मिठाई। तारीख निकल गई, नवीन शर्मा जी खिलाइए। डाउन करिए जरा नवीन शर्मा जी की। रब्बानी जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। सिटी नहीं थी, मैंने मान लिया, क्या पेपर फाड़ दोगे? रब्बानी जी आप बोलिए। नहीं, आप जवाब की बात, राजीव धवन जो है बहुत बहुत सोफिस्टिकेटेड आदमी है, जस्टिफाई की बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ आप कोर्ट का टाइम क्यों खराब कर रहे हैं? आप कोर्ट का टाइम क्यों खराब कर रहे हैं? जो गाइडलाइन दी जा चुकी है आपके सामने, ये उसी का गया जो गलत था, ये नहीं था। गाइडलाइन तय नहीं होती है तब तक आप नहीं कर सकते। राजीव धवन जी के सामने जो मारने की धमकी दी गई है, क्या उसको आप जस्टिफाई कर सकते हैं? राजीव धवन जी को मौत की धमकी दी गई है, आप उसको जस्टिफाई करेंगे? क्या उसको जस्टिफाई करेंगे? आप उसको कागज फाड़ा गया वो सही था, आप उसकी निंदा करेंगे या सही है आपके हिसाब से? मैं आपसे दूसरी बात कर रहा हूँ, आपको एक गाइडलाइन दी जा चुकी है, उसी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आपको अपने डॉक्यूमेंट पेश करने चाहिए। आप ईरान तुरान पाकिस्तान की कोई बातें करेंगे, उनका कोई तुक नहीं निकलता है, उनका कोई तुक नहीं निकलता है। माननीय कोर्ट बार बार ये बात कह रहा है, रोजाना ये बात कह रहा है कि आपको इन चीजों का सबूत पेश करना चाहिए। आप गाइडलाइन से बाहर जाके बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या? टाइम खराब कर रहे हैं, आप कोर्ट का टाइम खराब कर रहे हैं। सुनिए, आपको ये बात कैसे सुनवाई शुरू हुई है? देखिए आई के सामने पेपर था, पहले जज के ऊपर आरोप लगाए, जज सुनवाई से हट गए, दूसरी बार फिर जज को भटकाने की कोशिश की, तीसरी बार उन पे और कोई आर्गुमेंट लगवाया ताकि ये मामला डिले से डिले होता जाए। इस टाइम पीरियड में पूरा नहीं हुआ, बार-बार बराबर पक्ष के वकील की तरफ से बार बार इस बात की कोशिश की गई कि ये मामला डिले हो जाए, और इसीलिए इन्होंने आज फिर इसको क्या कि सीजीआई गुस्सा होकर यहां से उठ के चले जाए या सीजीआई आज इसको वापस से डिले कर दे, इसलिए कागज फाड़ा है। ये कागज ऐसे नहीं फाड़ा गया, इंटेंशनली फाड़ा गया है, इंटेंशनली कागज फाड़ा गया है ताकि इससे नाराज होकर सीजीआई या तो उठ के चले जाए या उसकी सुनवाई टाल दे, और सुनवाई टालने के बाद ही वापस इतने दूर चला जाए। यही बेतुकी बातें हैं। एक महीना पहले फैसला नहीं दिया जा सकता जिसकी लाखों की अपराध की मूर्ति मस्जिद में क्या कर रहे हैं रिटायर होने वाले, और अगर रिटायर होने से पहले फैसला लेते तो फिर से खेलने रब्बानी जी से सिर्फ एक सवाल है मेरे मन की जो शंका है, क्या वो कागज फाड़ा गया उस वो नक्शा था, उस नक्शे पे की फाड़ने की आप निंदा करेंगे या प्रशंसा करेंगे? आप सबसे पहले ये बताइए। मैं सर रिएक्शन ले लूंगी उनसे। सुमित्रा जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। नहीं, आपने सवाल क्या पूछा मेरे से? मैं यही बोल रही हूँ आपसे कि जिस तरीके से लोग बता रहे हैं ना कि एक साजिश के तहत की हियरिंग और ज्यादा आगे बढ़ रही है। साजिश कोई नहीं कर सकता, जब कोर्ट ने बिल्कुल डिक्लेयर कर दिया कि लास्ट डे है और आज तक ही बहस होगी, उसके बाद 17 नवंबर को फैसला आएगा,
तो उसमें चाहे कागज फाड़ो या कागज जोड़ो, किसी भी तरीके से फैसला डिले नहीं हो सकता था। अब ये जो बात हमारे साथी कह रहे हैं, पता नहीं किस ब्याह पे कह रहे हैं, कागज फाड़ना ये सही नहीं है, कोर्ट के अंदर इस तरह की बात करना सही नहीं है, ये कोर्ट को निर्णय करना चाहिए। ये तरीका तो गलत था ना, ये षड्यंत्र था कि सीजेआई ने खुद कहा कि अगर दोबारा ऐसी हरकत की तो मैं सीट छोड़कर चला जाऊंगा। सुमित्रा जी, षड्यंत्र था क्या ये? नहीं, सीजेआई ने कहा सीट छोड़ कर, सीजेआई को सीट क्यों छोड़ना चाहिए? धवन के ऊपर एक्शन लेना चाहिए, सीट छोड़ने की कौन सी बात है इसके अंदर? तो आप लोग निंदा करेंगे क्या? आप लोग निंदा करेंगे, छोड़ कर चले जाएंगे? वो गए भी नहीं और वो आज बहस पूरी होगी, निर्णय 17 नवंबर को होगा, उस निर्णय का इंतजार कीजिए। हाँ, कागज नहीं फाड़ना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के अंदर किसी को भी इस तरह से टेंपर लूज नहीं करना चाहिए, बहस बहस के तरीके से होनी चाहिए। बिल्कुल धनंजय सिंह जी, लेकिन जिस तरीके से हमने देखा कि इस पर लंबी एक जंग भी छिड़ी, सियासत भी खूब हुई, टोपियां इधर से उधर गई, लेकिन अब लग रहा है कि सब कुछ स्मूथ चल रहा है। मैं पहले कहा कि राजनीति जो कह रहे हैं, वास्तव में कुछ विशेष वर्ग को वोट बैंक का आधार बनाकर इस पर पूरे मुद्दे पर राजनीति करने की कोशिश की गई और राजनीतिक दल द्वारा की गई, और ये हमारे देश के आजादी के साथ ही यहाँ के राजनीति किसने करी, आजादी के साथ ही देश के वोटर को वोट बैंक बनाने का प्रयास हुआ। और उस जो सबने क्या, कांग्रेस ने की इसमें कहना और कुछ, बीजेपी ने नहीं करी, कांग्रेस ने की, बीजेपी ने नहीं करी, ध्रुवीकरण कर रही है। चलाया और भाजपा के इस आंदोलन से जुड़ने से इस आंदोलन को एक बड़ा व्यापक पहचान मिली, ऐसा नहीं है कि पहचान नहीं मिली, उसे पहले पहचान कम थी, हम लोग लगे हुए थे संघर्ष के अंदर और हमारी कई पीढ़ियां राम के नाम पर लूट मची है, लूट सके तो लूट, ये सब के लिए हुआ है। ये कम्युनिस्टों का वाक्य है, राम नाम पर लूट, ये हिंदुओं का वाक्य नहीं है, ठीक कर लीजिए, सभी के लिए हुआ है। राम आप लोगों के मैनिफेस्टो में एजेंडा में कब से था? राम मंदिर क्यों नहीं बन पाया अभी तक? करते नहीं ना अच्छे काम के लिए ना बुरे काम के लिए, कभी यूज नहीं करते राम को। आप ही लोग, आप लोगों ने भी सर राम का बहुत इस्तेमाल किया है। दूसरी बात सुनिए, एक और सुनिए, बहुत बार बार गंगा जमुनी तहजीब की बातचीत होती है, ये गंगा जमुनी है क्या? गंगा भी इस देश की और जमुना भी इस देश की, और आप बहुत कड़वी और सीधी बात कह रहा हूँ, जमुना गंगा में विलीन होती है, छोटे को बड़े में विलीन होना पड़ता है। आइए ना समाज में, हिंदू समाज देश का बड़ा समाज है, होइए विलीन, साथ में चलेंगे साथ में। ये है गंगा जमुनी तहजीब, आपने कागजों में लिख दी, वो गंगा जमुनी तहजीब नहीं है, तहजीब वो है कि हमारे साथ विलीन हुई है, इस संस्कृति विलीन हुई है, इस संस्कृति में विलीन हुई है, का विषय है धर्म के, यहाँ बात नहीं हो रही है, इंसानियत का धर्म सबसे बड़ा होना चाहिए। लेकिन ये हिंदू का एजेंडा कौन सा आता है फिर? मुस्लिम भी है, हिंदू का एजेंडा कौन सा आता है फिर? हिंदुत्व का कोई एजेंडा नहीं है, हिंदू तो इस देश की संस्कृति है, और यहाँ के माननीय कोर्ट के द्वारा फैसला किया हुआ फैसला है, ये हमारा फैसला नहीं है। 1900 देश की आजादी के बाद जस्टिस गजेंद्र गढ़ का देखो, इस देश की संस्कृति के अकॉर्डिंग जाएगा, और इस देश का जो मान संस्कृति है, भारत राम का स्थान वही है और फैसला वही होगा। आप इतने श्योर कैसे हैं कि फैसला वही होगा? मैं उसका पक्षकार हूँ, मैं श्योर नहीं हूँ मैदान में, मैदान में मैं रहूंगा और आप जीतोगे मैं बोलूंगा। मुझे 8 से 8:30 आप मुझसे कैसे सवाल पूछ रहे हैं कि मैदान में मैं खेल रहा हूँ और मुझसे पूछ रहे हैं कि सब उनके बारे में बोलो? अरे सर ये बात बताइए ना, तो आप कैसे वो कर सकते हैं? मैं सच है बोल रहा हूँ कि हमारे फर्ज, हमारे सबूत, हमारी मेहनत, हमको लगता है सबूत तो उन्होंने भी पेश है, हमने भी पेश है ना, तो हम उन पर विश्वास करें। आप क्या कह रहे हैं कि हम उन पर विश्वास करें? हमारे सबूत, हमारी मेहनत, हमारी बनाई गई है। दूसरी बात, आप वही सही की रिपोर्ट है, ये सही की जो रिपोर्ट है, यहाँ देश के अंदर कुछ बातें कई बार हम कहते हैं कि अंधेरे में सूरज खिल रहा है, ऐसा होता नहीं है, ठीक है ना। इस देश को कोई 500 वर्षों का इतिहास नहीं है, कोई 1000 वर्षों का इतिहास भी नहीं है, विज्ञान ने लाख वर्ष ऊपर माना नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ हजारों वर्षों का इतिहास है, और हजारों वर्षों के इतिहास में भगवान राम यहाँ के जन जन कण कण में बसे हुए हैं, और सबको मालूम है कि वहाँ धर्म स्थान है। आज रामचरितमानस के ऊपर हम टिप्पणी नहीं कर सकते क्योंकि उससे पहले रामायण भी रही, उससे पहले यहाँ की जो लोक परंपरा, हमारे यहाँ तो इतिहास लेने परंपरा रही नहीं, ये हमको, हम बखान नहीं करते हैं, हमारे यहाँ परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चली आई है और हम उसका पालन करते हैं, और हमारा स्थान वो है, ये मान्य है, इसलिए उसी के अकॉर्डिंग उसी दिशा में वो फैसला आएगा, क्योंकि फैक्ट और सबूत यही बोल रहे हैं। आप रात में कहोगे सूरज निकल रहा है, ये हो नहीं सकता। बिल्कुल लक्ष्मीकांत जी, लेकिन आप लोगों ने भी देखा कि हमने कई बार ऐसी चीजें देखी कि पहले आप लोगों ने कह दिया कि जल्दी हम उम्मीद करते हैं फैसला आएगा, फिर आपने सुप्रीम कोर्ट पर डाल दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मध्यस्थता कर लीजिए, वो आप लोग सक्सेसफुल नहीं करा पाए, और अब
फिर से? देखिए सियासत अभी भी खत्म नहीं हो रही है। देखिए सियासत तो इसमें है ही पहले दिन से, सियासत नहीं होती, दूसरा पक्ष नहीं होता तो कांग्रेस पार्टी नाटक करती क्या? कभी का मंदिर बन चुका होता। सियासत तो इसलिए है क्योंकि उनको एक वर्ग विशेष का वोट चाहिए। और मैंने आपको ऐसे दर्जनों उदाहरण गिना दिए कि सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रयासों से किस तरह यहाँ डे बाई डे सुनवाई होना। और आज हम डिबेट भी क्यों कर रहे हैं? डिबेट भी इसलिए कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसलिए कुछ पैसा आने की उम्मीद हो रही है। वरना तो आप 15 साल पहले डिबेट नहीं कर रहे थे जब कांग्रेस पार्टी की सरकारें थी, कोई बात भी नहीं करता था, कोई उम्मीद भी नहीं करता था, 3-3 साल निकल जाते थे, तारीख नहीं पड़ती थी। आप कहां इस तारीख तो कर आप भी नहीं दे पा रहे थे, कहां नहीं दे पा रहे थे? कितनी बार सर यही तो पूछते थे, तारीख तो दीजिए। एफिडेविट दी, अर्ली हियरिंग की एफिडेविट दिया कोर्ट के अंदर, किसके डे बाई डे सुनवाई करी? सरकार का एफिडेविट है, सरकार ने तो कहा जाकर, सरकार ने सबूत पेश किए, तभी तो आज वहां पर परिणाम आने की स्थिति हुई है। और ये पहली बार नहीं हुआ है, पिछले वर्ष भी आपको याद होगा जब जस्टिस मिश्रा थे और उन्होंने भी डे बाय डे सुनवाई का प्रस्ताव दिया था और तय कर दिया था, डेट तय कर दी थी 28 अक्टूबर, लेकिन वो दुर्भाग्य से वो रिटायर हो गए और रिटायर होने के बाद वो सुनवाई फिर पोस्टपोन हो गई। इसलिए हमारी सरकार के प्रयास से, उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रयास से, केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रयास से क्रेडिट लेने की तैयारी है, अभी क्रेडिट लेने की तैयारी है, सब दिख रहा है, सब दिख रहा है सर। अभी कांग्रेस की सरकार में बात नहीं कर पाती थी क्या? सुनवाई के बीच में भी और कांग्रेस की सरकार में तो लगातार ठीक नहीं है। कांग्रेस की सरकार में तो हमारी लड़ाई इस बात को थी कि सेतु समंदरम परियोजना के माध्यम से हम राम सेतु को बचाएं, या कांग्रेस पार्टी ने तो कोर्ट में एफिडेविट दिया कि रामलला तो हुए ही नहीं, राम का तो जन्म ही नहीं हुआ, उसको बचाएं। सर ये कंपैरिजन की बात कहां से आ जाती है? मेरे को ये बताइए ना, आप लोगों ने भी तो कितनी सियासत करी है इस पर, इसलिए आ जाती है, वोट बैंक कितना ज्यादा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के नेता कपिल सिब्बल ने एफिडेविट देकर वहां पर कहा कि इसकी सुनवाई 2019 के बाद होनी चाहिए, इसलिए आ जाती है कि राजीव धवन जो कांग्रेस पार्टी के नेता है वो खड़े होकर सुनवाई टालने की कोशिश करते हैं, इसलिए आ जाती है कि सलमान खुर्शीद जो कांग्रेस पार्टी के नेता है वो सुनवाई टालने की कोशिश करते हैं। कितने चुनावी कि कांग्रेस पार्टी की सरकार के दौरान राम लला का मंदिर वहां ना बने, मंदिर तो वहां है, भव्य मंदिर ना बने, इसकी लाख कोशिश सरकार के द्वारा होती है, सरकार के द्वारा एफिडेविट कोर्ट में दिया जाता है कि राम नाम का कोई व्यक्ति महापुरुष इस धरती पे आया ही नहीं, वो अवतरित नहीं हुआ, ये सरकार के द्वारा एफिडेविट दिया जाता है। तो बार बार लगता है कि कांग्रेस पार्टी इस हर षड्यंत्र में शामिल है कि राम का मंदिर वहां ना बने। चलिए आगे भी चर्चा हम ये जारी रहेगी, हम लौटेंगे, यहाँ एक मजबूरी है, ब्रेक लेना पड़ेगा, हमारी चर्चा लगातार जारी है, तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बारे में फिर से आप सभी का स्वागत है। तो लगातार हम चर्चा कर रहे हैं अयोध्या विवाद को लेकर, जिस पर जल्द ही फैसला आने वाला है, 23 दिनों के भीतर फैसला आ जाएगा और उम्मीद हर किसी को है, अपना अपना दावा हर कोई जता रहा है और पूर्ण विश्वास भी जाहिर कर रहा है। आचार्य राघवेंद्र जी, हम देख रहे हैं कि सुगबुगाहट बहुत ज्यादा तेज हो गई है अयोध्या में भी, तैयारियां पूरी चल रही हैं अभी से? जी नहीं, हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात है और हमें ये पूरी मन में विश्वास जो हमने इतने सालों से ले रखा था, इतने दिनों से धैर्य रखा था, अब वो समय नज़दीक आता जा रहा है। और वैसे वैसे हमारे लिए अयोध्या के लिए भी खुशखबरी है कि वहाँ पे बहुत हजारों दिए जलाए गए, खुशियाँ मनाई जाएगी जल्दी, क्योंकि वो जो दीपावली सामने आ रही है और दोनों त्यौहार हमारे लिए बहुत खुशखबरी है। ये हम एक मन से ये सबके सामने, जनता के सामने ये कहना चाहते हैं कि वास्तव में मैं गर्व से कहता हूँ कि मेरे पक्ष में फैसला आएगा, ये तो पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है। सुमित्रा जी, नहीं ये कॉन्फिडेंट है, अच्छी बात है, इनका कॉन्फिडेंस बना रहना चाहिए। मैं तो केवल ये जानना चाहती हूँ, ये तमाम जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए जो साथी आए हुए हैं, कि जब ये फैसला ये मान ही रहे हैं कि इनके पक्ष में आएगा, उसके बाद तो इस देश के अंदर शांति रहने देंगे ना? तब तो भाईचारे को पलीता नहीं लगाएंगे, तब तो बहस करेंगे। आप कह रहे हो कि हम तो बहुत अच्छी दिवाली मनेगी, ऑटो सेक्टर में 4.5 लाख लोगों को नौकरी से निकाल दिया। की बात मत करो, आप उनकी भी बात मंदिर की करो, आप ऑटो सेक्टर के लिए ही बात कर रहे हैं। अजी बात मैं कर रही है, करनी पड़ेगी, आप अलग जगह मत ले जाओ, फिर आप दिला रहे, फिर आप भी जो मैं बोल बहस कर रहे हैं। मैं ये कह रही हूँ कि दिवाली उनकी कैसे मनेगी ये भी सोचो, राम मंदिर की आप खुशियाँ मनाइए, लेकिन इस देश के अंदर बेरोजगारी फैल रही है, इस देश के अंदर जो भुखमरी है हमारे समीप आ गई। आज ही अखबार में आया है भारत देश के पड़ोसी देश सारे के सारे हमसे सबसे ज्यादा, केरल में चले गए तो आप केरल में चले गए, उसके ऊपर भी आप लोगों ने बोलना शुरू कीजिए। मंदिर तो आपके, मंदिर बनाइए कोई बात नहीं है, लेकिन इस देश के अंदर जो
भुखमरी के हालात हैं, बेरोजगारी के हालात हैं, उसके लिए भी सोचना शुरू कीजिए, उसके लिए भी बोलना शुरू कीजिए। मैम अयोध्या में बोलिए ना, बेरोजगारी भुखमरी में तो हमारे आस्था का विषय है, हमारे देश का राजनीतिक सुल्तान जो इस साल इस प्रदेश में राज करके आए हैं, वहाँ इंसान को इंसान धोता है, वहाँ पर इस साल इस प्रदेश में राज करके आए आप, इंसान इंसान को धोता है, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, एक ही करके सर, एक ही करके सर, एक ही करके मैं बोला जी आपका रिएक्शन इस स्टेट में आपने सरकार चाहिए सर, सबकी बात पूरी हो जानी चाहिए, और आप आवाज कर रहे हैं मैं बोला जी आपका लास्ट कर रहे हैं। मैं तो बस वही कहना चाहूंगी कि जब ये इतना कॉन्फिडेंट है तो फिर फसाद हो क्यों रहा है, इतना विवाद क्यों हो रहा है, इतना शोर क्यों हो रहा है, भाई फैसला आने दीजिए ना, फैसला आने दीजिए सर, फैसला आने दीजिए, फैसले पर सब्र तो करिए, जरा सा सब्र से तो बैठिए, ये तो ग्रंथों में भी लिखा है सब्र का फल मीठा होता है, तो सब्र से बैठिए, किसी के ऊपर उंगली मत उठाइए, सब्र से बैठिए और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का आदर कीजिए, हम आदर करेंगे, आप भी आदर करेंगे, बिल्कुल करेंगे, हम तो सबसे पहले कह रहे हैं, मैंने तो पहले ही अपने स्टेटमेंट में ये बात कही थी कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा हम खुल के उसका स्वागत करेंगे, हमारी तरफ से भी स्वागत है, नहीं करेंगे हमारी तरफ से भी स्वागत है, मगर आप लोग जो ये बात कह रहे हैं कि अगर किसी धर्म से चंद लोग अगर खराब होते हैं तो आप पूरी कम्युनिटी पे उंगली नहीं उठा सकते, एक इस बात पे मुझे इख्तलाफ है आपकी, दूसरी बात ये कि अभी भी सियासत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, हालांकि फैसला जल्दी आने वाला है, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों के साथ हमारी चर्चा में शामिल होने के लिए, और सीधे आपको लिए चलते हैं।